तोतली बहू कौन से? कलमो। या पागे तोतली बहू भाई। कलमो नहीं करमो। कलमो करमो कलमो करमो कलमो। या तोतली बहू कौन से सुधर? छाछ तेली इतना मानूंदी फिल्म तंदलावल देखूंदी बोल मैं तेरा सुसरा पावेगा छछुल ते मैं घूंघट कर लूंगी फिल्म तंदलावल यू तो मेरे मागे लभी फोटो के चाल लग गए फिर वहां कलमी लो नुक जा बाबा की चौधरी कुलदीप लाम लाम तोतली लाम लाम आज मेरी न्यूट बोली पीछ ना छक्की पैदल दे मैं अलबेलन समझी को नीचे भी रखे बुझेगा मेरी मैं सुकर माँ की माड़ी रे बीरा रे तू होया था जब बाटी थी मिठाई रे सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक तो फिलहाल पट्टी अफगान है कैथल का गांव जड़ा रहे फौजी करमबीर जिसके खूब सारे गाने आ लिए और भाई उसने एक वेब जो आजकल नाटका की सीरीज काट रखी है उसमें तोतली बहू है हैं वो बड़ी वायरल हो रही है फिल्म चंदलावल देखूंगी उसके घर पे मतलब उनके मतलब फौजी भाई का उड़ा पर पहुंचा रेड मारेंगे उलझन की बात ज्यादा लिखी मैंने क्योंकि भाई उसके अंदाज जो है तोतली बहू के मौके पर रखे गंदी गंदी खे कह जा रहा है अरे देखो ये उसकी पहचान है फौजी भाई के घर की देखो रान को दिखा दे मोहित रान को दिखा दे ये आप सरस्वती माता की जो फोटो देख रहे हो ये जो उसका घर की पहचान है फौजी भाई की दूर दूर तक जब भी लोग आवे मिलन तो सरस्वती माता जो कहा सुरों की देवी सरस्वती चलता रहो भाई और यू घर है इसकी पहचान है इवन उनको चलना पड़ेगा आगे को अरे भाई रहे गऊ के जाए दिखा रहा है मोहित रहे गऊ के जाए ये देखो जी भी इनका सारा चल रहा भाई देश में प्रगति भी थी गति भी थी और भाई लोक व्यवहार भी बने रहे जी भी गौ के जाए गए इसकी बेकदरी हुई तो देश की भी बेकदरी होगी भाई सच्चाई बात है गला गला शेयर कर दे रहा भाई उलझन का मामला हो सका है घना तकड़ा हो सका क्योंकि बहुत सारे नाटक में तोतली बहू के अंदाज है जो वो बहुत ज्यादा वायरल है अच्छा यू यू देख रहा है यू गामा का खेल आज खत्म हो लिया पिल्लो गोई कंचे तन्ने मारो भाई सुधरे देखा खोलिए शीशा खोल दे शीशा बढ़िया तन्ने मारो निशाने बढ़िया निशाने कौन सा खेल रहे हो कौन सा गेम खेल लो हैं अंडा गोल पिल चल भाई चल रहे चलो 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 तनाव है धरातल पे धरती पे तनाव कोई काम कोई बिना जान जान पहचान का नमस्ते भी कर देनी फिर भी सारा दिन टेंशन रखेंगे आग बोला ना बिना कौन था नमस्ते कर गया मैंने तो भाई टेंशन तो मुक्त होना था आज अड़िया वीडियो देखो और ये गांव है पट्टी अफगान युश्यामी आप देखो दिखा दे युश्यामी भी दिखा दे ये देखो ये घर फौजी करमबीर का है और ये भाई आज पाछे बहुत बढ़िया गाना चल रहा है विधि देशवाल का बता मेरे यार सुदामा ये बहुत वर्ल्ड फेमस भाई के बाद शिशनु है शिष्य पर कर अब आपके शहर में आपके अपने गांव में नूनाल से लद गई तू रुक जा नूनाल दिखाइए रुक जा ओह चलो आपा देखो जय मां सरस्वती गायक फौजी करमबीर जागलान तो आजो मेरे गल्ला ये बापा पहुंच गए हाँ फौजी करमबीर का घर हाँ ये फौजी करमबीर की जो बेटियां वो तीनों बॉक्सर हैं भाई नेशनल चैंपियन है खुल जा सिम सिम आ जा भाई आ जा तोड़ आ जा अरे कोई भी नहीं है अरे कोई भी नहीं है नो नो देख फौजी भाई कोनी कोनी चल ऊपर आते हो ऊपर भाग रहे हैं फिर ये तू नगर मोहित आकर ले फिर भाई चलो इस टाइम आप फौजी करमबीर का है घर में पहुंच गए हाँ और देसी रेड लाओ या भाई आगे पैड़ी खत्म रहे अरे पैगी पैगी आगे लिखड़ तू मोहित ये ईब ले नून तो छूट भाई जब तनाव तय मुक्ति चाहिए बड़क हो रही है खाम खाएगी और भाई आपा तो आपकी मैत्री है तो उससे बचना हो तो इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो तई राम राम
और ताई ठीक ठाक? ताई नू बोल देसी देख हुँ? बोल के लग ले, देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक नू करके दिखा दू। हाँ नू कर दे ठोसा ले ले क्या कर देना ठोसा ले ले चलो 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 इब्राहिम तो बोलूंगा मैं इब्राहिम तो बोलूंगा तोतली बहू कौन से फिल्म ये आप आगे तोतली बहू भाई ये सरप्राइज था। हाँ जी दोबारा आ जाओ एक बार उधर क्या अच्छा दोबारा अच्छा दोबारा आ जाओ भाई यहाँ देखो तोतली बहू के अंदाज देखो तोतली बहू ने एक बात कही बोला रीटेक ले लो हालांकि लाइव है लेकिन इतना चुलबुलापन है इसमें इन्हें नो मेरा भाई लाइव चलो दोबारा हुआ दोबारा हूँ लो भाई किसके कारण दोबारा आना पड़ेगा चल भाई दोबारा आ जाओ भाई ये देखो भाई ये तोतली बहू कौन सी है कलमू नहीं कर्मू आपको गलाई हुआ है कलमू या तोतली बहू कौन सुधर चलो इसमें क्या लिख रखे सकलिप्त है इसकी सकलिप्त है भाई और सकलिप्त है ये भी देखे देखे इलाके में मैं सासू जी गुरप्रीत अच्छा सासू इस सासू अच्छा उम्र में कितना अंतर है उम्र में 14 साल का क्या नाम आपका क्यूट रोइला अच्छा फिर ये मैंने साला कह दूं हां ठीक ठीक दमन कुर्ते में पिछड़ में हो हां ये ड्रेस लानी रह रही है ड्रेस को नहीं लाई सामने अच्छा जी यू कर मुंह फेर आया खखाया आज फेर आ गया यो शेयर कर दो नु की शेयर करो शेयर कर मुंह आ रहा अरे ये सर जी कह दिया फौजी भाई राम राम ये टोकनी वाला टोकनी भाई फौजी राम राम करिए राम राम तो बढ़िया है तो यहाँ था के मैं आ रहा हूँ अरे बता दूँ आपने खुशखबरी दे दू रेट पड़ रही है नहीं रेट तो पड़ रही है जो ये मैं तो ये लेने गया था टोकनी दी छाज सा ये कैमरा लग रहा शूटिंग छोड़ गया तला बोले पगड़ी छड़ा दो कैमरा ले कर लेते मैं तो मेरे काका कहते लेने गया था। मैं एक बार बता दूं आपने कहा था एक बात मैंने सुनी थी आपको बोला इसका जो चुलबुला अंदाज है नी ठीक है तो सारा सा छोड़ तो बोला नहीं बता तेरा फोन तो आया कल तेने बताया तो कौन में आऊंगा भाई सब इसे तो कहा रेट जब विजिलेंस वाले नू बताते हैं पहले रेट पड़ेगी पर तू पावे नहीं कि मैं भी कुकर चढ़ा न्यू है भाई यू काम अपना एक बार राम राम हो गया भाई राम राम मैं तो सोचा मैं कर मुंह में देखे करता तेरी मां करे तो प्लानिंग है रेट कर राय ठीक लिख रहा का मेरा नाम पर लाया जाए बोल करमू कलमू एक मिनट जमा लिख कर देखा साला पैट दिया भाई आज नाम में ठीक करवाया देख देख यूके है क्या देख रहा देख क्या अरे यू ला अरे नू ये पूरा बोल यू है क्या ला मैं कलमू और सर जी चल जी चलो मैं बता दूं भाई देख ये भी थोड़ी देर में जो इनके अंदाज हैं वही अंदाज आन दो जो आपका एक गाने में जो तोतलापन का गाना एक वायरल हो रहा है फिल्म अच्छा वाह लाइक ठीक है भाई आन दो एला नुको एला 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 भाई छाच तेली इतना मानूंदी फिल्म तंदलावल दे थूंदी छाच तेली इतना मानूंदी फिल्म तंदलावल दे थूंदी इन्हें दिखा दो चंद्रावली फिल्म कितनी बार कह लिया क्यों नहीं दिखा दो दिखा दो फिल्म तू कैसे देखेगी बोल मैं तेरा ससुरा पावेगा छछुलते मैं घूंघट कर लूंगी फिल्म तंदलावल मेरे बारे में तो कोई चिंता नहीं है मैं कराऊं हैं ये चलो सोता दर देख ली थी फिर मैंने ना उतरा आगे नाम देखा प्रेस भी कौन लिखवा गया दो जने चढ़े ऊपर फिर मैंने तो ऊपर आके एकदम देखा मैं यार ये तो शूटिंग आड़े बढ़ गया तने के प्रथमा मूर्ति फिर मैंने शूटिंग करा मन नु राजा नीचे पानी कोई मैंने स्टूडियो देखा मन मारे रुके कोई है मैंने कहा खुल जा सिम सिम फिर मैंने कहा तोतली बहू कोई नहीं आवाज आई फिर मैं ऊपर पाऊंगा बताऊ मरता हूँ मार पे गुप्त सूत्र काला है उसने बताई
तो जो इतने तेरी मेरे को बात हुई थी 8 तक तो मैं यूपी में हूँ और 9 ने आऊंगा फिर आएगा शूटिंग करेंगे फिर आज ये तो फिर आज उतरे 9 ने सवेरे इसने तो कहा ना इसने क्या बोला रे सरप्राइज छोटा छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक शेयर कर दो ठीक करवा दिया इसका कमेंट आया जी यह बात तोतली को आज मैं करवा दो अच्छा तोतली हां लोग लाइव चल रहे हो अच्छा सुनो तोतला अंदाज में बोलियो तोतली भाषा में बोल दिया बात यू एक बार मैं फौजी भाई का गांव दिखा दूं चुकर दे मैं कहां करूंगा सारे आने बोला दुनिया में कोई किते चले जाइयो लेकिन अपने अपने भड़का ना अपना गांव जरूर दिखाइयो रहे तो ये फिलहाल जो पट्टी अफगान गांव है ये आप देख रहे हो और जो दर्शकों की डिमांड हुई थी तोतली बहू कहे का इंटरव्यू भी करो फौजी भाई ने एक पहचान दी है इनको और ये फिलहाल हम इसका तोतलापन का अंदाज जो चुलबुला अंदाज है उसे अंदाज में याना शाना को आओगे और फिलहाल आज और देखियो कहते ना तम सोचते तोतली है तोतली की माँ भी यार याद है तोतली की माँ लेकिन एक बात और बताऊ गुरप्रीत कौर की पहचान जब तोतली बहू नहीं बनती तो शायद पहचान भी नहीं बनती लगा इस बात का अंदाजा है हाँ जी या तोतली छोरी जाम दी आपने तो ना जी तोतली नहीं है जी ये तोतली का उस तो मशहूर है जी चलो मैं बताया तुम भाई देखो कोई रिश्ता रस्ते वाले आवे तो तोतली नहीं है कि देखो काम करने से तोतली है कोई नहीं कोई करमू कोई नहीं से तोतला होगा जो कोई तोतला भी चल जाएगा मैं नहीं देखो तोतली वो उतना तोतला है जी ये ठीक है लड़ाई बटेऊ की सच्ची है मैं तो कहूँ जी गूंगा मिल जाए ठीक है मेरी सुने जा आप तो बोल रहे नहीं देखिए गूंगे लाइन में लग जाएंगे गूंगे भी तो आलान लग रही है गूंगा मामने कल मिला था कल मिला था गूंगा मामने जब गूंगा चाहिए तो चलो फिलहाल मैं वो डायलॉग तोतलापन का अंदाज में बोलो मेरे भी खाम गए तोतलापन में बोले जाओ बोलो याना छाना छोट छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेला अगल पड़ोसी मित्र प्याला सारे शेयर कर दो छाले छेल कर दो सोले को चलो अच्छा मतलब कदे कदे नू भी आवे दिक्कत भाई जिस तरह जब शूट नहीं होता तो थोड़ी बहू का और घर आओ तो फिर भी या उसे किरदार में कोई बार जिस तरह हमारी तोतली बहू की शूटिंग लगातार चलती रही मैं घर जाकर दिन घर गए माया मैं लोटी बना लिखिया के मेरी मां ने कहा तेरे क्यों गए मैं पता नहीं मुंह फट गया बोली मां आप फौजी ने तो मेरी बेटी तोतली बना दी वो तो आप भी कई बार इस तनु को ए आ जा तोली लोटी खा ले कह दो हां ये बोल रही थी कि मम्मी ने कहा लोटी बना ली मां हां बना ली लोटी मैंने खा ले तोली थी आके चलो ये एक मैं बताऊं देखो किरदार में ढल जाना इसने को है और फौजी भाई के तमने बेरा है जो फोक हरियाणवी फोक आया था उसके स्टार्टअप करने वाले करमवीर फौजी भाई हैं और आपको वो एक गाना जरूर सुनावाना चाहूंगा मैं दर्शकों ने डिमांड भी आई थी पतला दुपट्टा वाला फौजी भाई प्रस्तुति दे भाई करम न्यू है देख पतला दुपट्टा गाना लिखा था बलवान फौजी ने जी भाई। और इस गाना ने मतलब एक सारे कलाकार ने गा दिया यो जी लेकिन जब मैंने गाया जो उस टाइम पे कुछ रस ऐसा बन गया इस गाना में यो गाना जो मेरे खातर बनया था ऐसा लगन लग गया गाओगे ये प्रस्तुति दे मतलब हेरा पतला दुपट्टा तेला मुंह दी थे मैं तो सही गाऊंगा हूँ डायलॉग मारो था हेरा पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे बोलूंगी जी हमे ले ओ दिन पालन के से दिन पिया बात पे क्यों दी थे पतला यू देख पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे दिखा दे भाई मेरी चाल मटकनी दिखे सरम झोल
तेरे लग जा नजर लुंगाड़िया की बिन मोल कर लग जागी नजर ताबीज बांध राख्या कसके आजकल को नहीं तबीज काम करते यू फौजी भाई मेरे पास छोमा होकर तार भाई तारा सूट कटे मरे वो देखे वो दामन कुर्ती रहे आपके नहीं नहीं भाई सुन मेरी बात सुन ये गुरप्रीत ने तो देखा है जी जी और यह छोरी जो सी कुवीट रोयला है ना यही मेरे पास आने लग गई है इस शॉर्ट फिल्म में बनाई सासू बनाए गुरु में और वह तेना पछाण मैं जी चुंडे चांडे टेका की नहीं ड्रेस सासू बड़ी सुधरी टोई था भाई सुन पता क्या इसकी उम्र इसी है इसने जे बड़ी उम्र की करनी हो तो चुंडा ला दिया इसका और गटानी हो चुंडा तैर दिया कॉलेज की लड़की थे एक बार सुनो परिधान दिखाऊंगा परिधान दे ले आउट देखो जो हरियाणवी परिधान है उन्होंने तेरा आने से पहले मैं टेकर के दूं ना दामन दुमन सारे चुंडे चांडे फिर पछाण मावेगी तारा जिस टाइम सासू है क्योंकि मैं तो रेडी कर मैं तो यही लेने गया टोकनी टाकनी पानी का सीन था सुर में इसका इतनी देर में जब तो मन नहीं हो रहा बैठ कर स्क्रिप्ट लिखने लग रहे थे मेरा तो ध्यान पड़ गया एक सीन में तीन बार भी लागू कर दिया दोबारा बोली मैं खाली हुई नहीं पड़ गई थी दोबारा आओ अच्छा एक और आपका गाना बहुत वायरल हुआ था पानी वाली पानी पानी वाली पानी बिल्कुल बिल्कुल भाई वो देखो दयाचंद मायना वाले ने महाशय ने लिखा था वो गाना जी जी। और इस गाना ने भी कई कलाकार हिट करे पहले गड़े बैंजू पे हिट रहे गाना जी भाई जी और फिर जब मैंने डीजे मिक्स करा भाई साहब मेरे को आज तक उस गाने से पहचान मिली हुई है के पानी एक नया अंदाज पेश करती थी रानवी पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर ए पानी वाली पानी प्यादे क्यों बोल खड़ी होगी के कुएं का नीर सपड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी पानी वाली रे पानी प्यादे परदेसी की रे प्यास बुझा दे इसमें मिकल कर दिखाने गए मैं तो हां लाइव चल रहे हो लाइव चल रहे हो 1500 लोग लाइव जुड़ रहे हैं आपके साथ 1500 लोग जमा छह में 1700 लोग लाइव जुड़ रहे हैं अरे भाई तेरी रीटेक वाली देख 1700 लोग देख 1700 नहीं देख 1700 1700 कही 1700 छतला छो इसकी तो तला बना ज्यादा बढ़िया भाई मैं तो 1700 यानी 1700 अच्छा सुनो दूसरी बात पूरा इसको गाना को सुना दो भाई दर्शक पूरा मांगेंगे हाँ पूरा मांगे 15-16-20 उम्र तेरी हो रही सैरंग छटन की के ले आई थी के ले जाना बाण छोड़ दे नटन की तेरी एक चीज दिल डटन की तू ला के मोल खड़ी होगी पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी पानी प्यादे भाई जिस आदमी आपके बड्डे होने तुम कहो अब नाटक में जिस आदमी ना सी नांदी नाम दियो ये छोरे ने देख वहां से छुट जाएगी मेरा जी जाना है मैं शूटिंग कुकर कराऊं जी भाई मैं यही कह के चला तो तनाव है स्ट्रेस है एक टेक में मान ले और तो गलती करे करे या आस है और वही इसकी पहचान बन जाए फिर मैं खाई रुक जा नास है फिर के पूरा डायलॉग हो जाए एक शब्द रह जाए उस पे हंस जाए इसके हंस ने इतना परेशान कर रखा मैं था मैं चल शूटिंग की तो कड़ी नहीं मैं भी यूपी प्रोग्राम में गए और मेरी हंस सी छुट रही बार बार मैं हंस हो गई पब्लिक हंस है मैं तो डायलॉग याद नहीं आ रहा मैं के बोलूं मेरी हंस सी छुट गई फिर सारे हंस मैं यू सिस्टम सही हो गया और उसने भी कह दोगे आप हट जाता ऊपर चने तोतला अंदाज में हां करके देखो जरा ओ हत दा अला हत दा ओ हत दा ताऊ पाथे मैं नातन दे दी बल कैन नाचकड़े हो नाचते तो होई ये तो शर्मा है अच्छा एक जी बस इतना गाया था ये गाना जी भाई हमारे बहुत अच्छे कलाकार हो भाई उसने मेरा पानी वाली आया था रिस्काट जाता हुआ था गदर मचाया था हरियाणा में कसुत्ता बहुत बढ़िया अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं 2000 दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं मैं कहूंगा जी लगे शेयर करियो इसलिए शेयर करियो धरती पे संकट है तनाव है तनाव छंकट छंकट है बताऊंगा बताऊंगा किसे तनाव कौन जाए आदमी किसे तो नमस्ते करते नहीं सार तो नाराज ना नाराज ना आप नाटक में आपका बटे उन्हें बड़ा दमका हो बड़ा खींच कर क्या क्या करो ना मिली सासू के मारी लड़ाई बाजी रवे फिर मैं को नहीं जानती ए मां इब्बे पक्की करा ले मन अगर जाके फिर पिटा गयो भाई एक देसी अंदाज के अंदर जो बिल्कुल टिपिकल वर्ड है ना वो छोरा भी आता ने फटिया देना मेरी गाड़ी खराब हो गई थी करनाल रात आंदी यूपी में उस गाड़ी ने लेने गया मोजी और मेरा भतीजा छोटा भाई का छोरा उम्र तो उसकी 15-16 साल की हुई है लेकिन मेरे तो भी लंबा हो गया अच्छा तगड़ा लग गया रोल तोतली का नाम पे चुटकुला याद है दोनों तोतली थी
अरनू का देवला छोर आला देखना होगा ना तम बोलियो ना चुप रहियो हां खेल खेल दिखी ना एक ने देखी कीड़ी वनु बोली बोला ए बे बे वन कह करा मैं सारा को याद मतलब जितना रिश्ता आले आए जी तोतली मुंह ने छोरियां देखन के बोली वे वो छोरी ने कह दिया होय तीली 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 फिर वो छोरा बोला ओहो तीली तो नहीं मुतोला है वो भी तोतला पाया चलो अच्छा फजी भाई वो सफारी वाला अपना सफारी उस टाइम पे गाना आया था मेरे भाई फौजी भाई है सुभाष का सुभाष फौजी का मैडम बैठ बलारो मैं स्पेशल तेरे खातिर ले आया और मन ने कुदरती जो सफारी कढ़ाई थी अच्छा। मैं बोले यार मैडम बैठ बलारो मैं स्पेशल तेरे खातिर लिया मैं बलारो तो बड़ी ले आऊ मैं सफारी मेरे दिमाग में आ गया मन ने गले गाना दिया उसके गले में कहा मैडम छोट बलारो ने खड़ी है तैयार सफारी मैडम छोट बलैरो ने आजा खड़ी सत्यार सफारी मैडम छोट बलैरो ने आजा खड़ी सत्यार सफारी कुछ ऐसे बोलते उसके तो आपके और जो देखो फौजी भाई के बारे में बता दूं मैं बहुत सारे गाने आए हैं फौजी भाई के अरे खास बात रही है फौजी भाई ने अपनी लाइन एकदम चेंज करी जो परिवार में जो घटना घटा है उसकी ऑब्जर्वेशन पे सीरीज निकाली जमा नेचुरल जमा प्राकृतिक कोई लिपा पोतनी कोई उस आडंबर नहीं जो भी प्राकृतिक चीज हो जाए गली में कोई फेरी वाला है जो मैंने चला के गुड़ वाले कपड़ा वाले सपे चलाने लग गया सोच के बताऊं क्योंकि देखो डीजे रिमिक्स का तो बदलाव आया था पानी वाली तो एकदम से खूब आ गया आजकल तो बड़ा समय के अनुसार चल रहे हैं कलाकार ठीक है मतलब जो भी चल रहा है कुछ एक जो समाज के खिलाफ गीत है उनसे तो मैं नाराज हूँ बाकी क्या टोकते हम किसी ने नहीं भाई सारी राय देखनी है करनी है गानी है लिखनी है सुननी है लेकिन मैंने थोड़ा सा न्यू कराया कि जरूरत है कि मैं जवाबदार कलाकार हूँ मैं मार्केट का एक जवाबदार कलाकार हूँ मेरा जो नेम फेम है वो पूरा उत्तर भारत के अंदर उस तरीके से है कि भी लोग न्यू है भाई फौजी कर मेरा तो मैंने सोचा यार कोई अच्छा बढ़िया चीज कर तो मैंने एक तो प्रण लिया था मुझे पता था सारा सदा डिजिटल पावेगा कैस्टिंग गई सीडी आएगी सीडी गई चिप आएगी 24 साल नेट पाया अच्छा मैंने न्यू था भाई भी सारा सौदा नेट पावेगा मन ने एक एज पर प्रोड्यूसर काम करना शुरू कर दिया मैंने अपने चैनल बना लिए मैं भी आगे भी हैं सौदे जो है ना चैनल पे करा तो चैनल भगवान की दया से 4-5 चैनल रनिंग हाल तो अपने बढ़िया चल रहे हैं मैंने एक अलग बनाया था मेरे नाम से भी दो चैनल हैं मैंने एक बनाया था हरियाणवी फोक जिस पर मैंने ये वादा किया था पब्लिक है भाई जितने पुरानी दादी नानी के टाइम के गीत है नहीं 1000 गीत काटूंगा ये मैं चकड़ियां तो टोके ले आऊं आज मैंने 1002 गीत मार्केट में सासू आई भाई सासू सासू आएगी देखो ये हरियाणवी प्रधान है इसकी बहुत आज ये विलुप्त होती प्रजाति आगी विलुप्त होती प्रजाति है क्योंकि दिखते को नहीं से मैं बताऊं इसकी बात करेंगे बाद में पहला मेरे खत्म कर दे फिर भाई मैंने 1001 तो ऊपर टपा दी जी भाई पूरा पता टोका दादी नानी किसी किसी गीत अच्छा उसके अंदर पहला आई उषा जांगड़ा उषा जांगड़ा ने करे 300-400 गीत फिर मैंने एकदम से देखो मेरा न्यू था कोई जो कलाकार मार्केट के कलाकार प्रोफेशनल कलाकार मेरे को वो लुक नहीं दे सकते मैं गया था कुरुक्षेत्र में उस पे नान मेरी माँ ने ले गया नाना खातर मैंने एक लड़की वहां कुसुम एमआर आई कर दी कुसुम सैनी कुरुक्षेत्र से मैंने उससे 3-4 गीत करवाने थे वहां शूटिंग पे ओड़े यार इसकी मम्मी इसकी बेबे इसका भाई सारे टब्बर मिल गया और ये मैंने पछाण के काम डोर के मैं खाचा जी बहुत बढ़िया अच्छा शूटिंग करते करते फिर वह न्यू बोली अक्सर जी मेरा मन करे मैं भी कर लू गीत मैं बेटा मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं तू इस भाव है कई कई मखान देशों में देखेंगे लोग तड़कने नु कह दे कदे भाई या छोरी किस तरह नाचन लग गई रहा तो अपने महा इस तरह मानना पहला बेटा महा तो तेरे उससे बात करा तेरे माँ बाप ने मेरी माँ तो गल ले आ रही है इसकी मां ते बोलिया जी न्यू कह न्यू कर लेगी मैं थाना इतराज तो नहीं करना तो कोई बात नहीं बेटा तेरी उम्र कितनी पूछ ले मां आज और आना आजा ना उस तो थोड़ा पण मैं बोलो अरे मां उलाइए उला 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 आपने कोई दिक्कत नहीं नहीं जी मैंने कोई दिक्कत नहीं फिर मैंने इससे पूछा इनको मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपने इनको मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं ये तो मेरे मां के लिए फोटो का चाल लग गया अरे बेटे आप कहीं ऐसे इनको वाह बेटे मौज कर दी वाह बेटे मौज कर दी फिर भाई मैंने इसके रिलीज करे 4-5 गाने भाई मैंने उन दिख जाए मतलब मास्टर ने इतना हुनर दे रखा मैंने वो लुक इसके अंदर दिखा सिंपल गांव की देसी छोरी का मगर तेरे गाने भी इस तरह के यार ये लड़की करे तो बढ़िया रहेगी तो फिर मन ने इसको जी 3 महीने लग गए बलोन में बलोन का मतलब समझो आप भाई इसको इसका ताकत इसकी मतलब क्वालिटी बताने में या इसके पूछा नहीं करना बेटी तेरे गाने आवेंगे न्यू जाएंगे न्यू कहेंगे लोग कद रिश्ते भी नहीं हुए मतलब बहुत गहरी गहरी सोच गई अच्छा भाई 3 महीने मन ने नहीं कोई कलाकार छेड़िया मैं मैंने कोई या मिल गई तो कलाकार मैं इसी के लिए काम करूंगा भाई फिर मन ने जब ये जमे ना करगी नहीं बोलिया को नहीं जी करा चलो कोई बात नहीं हमारे तो मम्मे नट है फूफे नट है रिश्तेदारी ने पूछी अब बहुत अपन देहात में तो बड़ी तकड़ा बाउंडर बना लिया चीज ने तो भाई फिर चंडीगढ़ में शूटिंग रख दी मोरनी में कोई और लड़की मैंने बुलाई मैं और लड़की पे ट्राई करता हूँ फिर एट ए टाइम कुदरती है भगवान रास्ता बना मैं फोन आ गया निका निका मैं कैथल आ रहे हैं जी आपसे मीटिंग करनी है मैंने कैथल आया मीटिंग करी मैंने कहा दिमाग वॉश कराया मैं कोई बात नहीं तो भाई फिर इनते बढ़िया तरीके से मैंने गाने दिए
मैं भजन चल रहे इनके गाने चल रहे फिर थोड़ा सा फिर तो एक गाना डेली खोलिया भाई साहब 1000 गाने में 3 साल लग गए 2.5 साल हो गए मेरे जुड़े थी और भाई फिर मन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने कहता बेटा मैं जो है ना तेरे एक किस्म से मतलब ये समझ लेना कि तू मेरी बेटी के समान यार मैं ऐसा मतलब तेरा से वो नहीं हूँ तेरा हक नहीं रखूंगा तो भाई जैसे जैसे लड़की चली मैंने इसका मेहनत नामा नहीं रखा है क्या नाम रखा इस किसका सुनो मैं बता दूं दर्शकों के कमेंट है नहीं तोतली भाई पढ़वाएंगे कमेंट पढ़िए हाँ ले भाई यू है नाम लिख दे रहा हूँ अपना अपना क्या नाम है लामेल भादु कमेंट पढ़ नाम नाम बोल दे रहा हूँ इनके चल सुनील कुमार शिवगोलीनाथ जी छेल कर दो सुनील कुमार छेल कर दो लामेल बालू छेल कर दो कलमिल धक्कल छेल कर दो जसपाल सिंह छेल कर दो यू जसपाल नु कहो जी फौजी भाई लव यू ब्रदर क्या बात है नहीं बहुत बढ़िया अच्छा आगे कमेंट की बात आ रही है फिर वहाँ कलमिल और नु कहो जा बाबा की लाम लाम कहो छोनू लिंकू छानी हेलो चौधरी कुलदीप लाम लाम तोतली लाम लाम बहुत बढ़िया वेरी नाइस सुल्तान सुल्तान रोहित जांगू सन्नी रहिया सुनील कुमार सबना लाम 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 अच्छा सुनो भाई और भी कमेंट बीच में पढ़वाऊंगे तो फौजी भाई बताऊंगे एक चीज बता दूं फौजी भाई एक जानकारी आई थी मेरे पास आप 3 बेटी तीनों नेशनल बॉक्सिंग की चैंपियन है 4 है यहाँ पे 4 बेटियां अच्छा अच्छा 4 मतलब 3 बेटियां हैं जो बड़ी बॉक्सर है नेशनल बॉक्सिंग हाँ नेशनल लेवल की तीनों की इंडिया चैंपियन अच्छा एक चीज और सुनी थी आप जब भी कोई खिलाड़ी कोई अचीवमेंट लेवे है तो फौजी उसको उत्साह बढ़ाने खातर फौजी की तरफ से जावा हाँ, मतलब मैं स्कॉलरशिप पक्की करके मैंने गांव के अंदर यह बात किन्ने बताई है मैं तो यह बात या गुप्त सूत्रकार ने बताई है कुछ भी आगे पड़े था भाई ये तो तने पूछ ली ना देख भाई करमू मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिस टाइम गरीबी में तुमने पैसे की वैल्यू जब नहीं समझी आज परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया पैसे की वैल्यू में आज भी नहीं कुछ समझ रहा सेना में नौकरी करके आया 8-9 साल भाई देशभक्ति भावना मेरे मन में है मैं खुद रेसलिंग से भर्ती होता स्पोर्ट्स से मैं कामयाब हुआ घर वालों ने मेरा स्पोर्ट्स कराया आगे मैंने मेरे बच्चे ने बॉक्सिंग में डाल ली तीनों छोरी मेरी बड़ी छोरी है तो कोई बात नहीं भाई तीनों की तीनों नेशनल प्लेयर बन गई खेलो इंडिया के अंदर भी मेडल है मेरी छोरियों के तो भैया उस चीज का मैंने नहीं हुआ स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत हुआ है मेरे गांव के कोच मेवा सिंह कोच का मकान दिखा देखिए मकान मेवा सिंह का कोच साहब का मकान है कोच अभी आज इस दुनिया में नहीं रहे अच्छा 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 ये मकान है उसका सामने देखो शेयर कर दे रहा हूँ कई छेल कर दे रहा हूँ छेल कर दे साले इन्होंने मेरे को रेसलिंग के अंदर डाला था मैंने वीडियो ना ये रेसलिंग के कोच बने थे भाई और इन्होंने रेसलिंग सिखानी शुरू करी थी और मैं 3-4 साल में नेशनल में पोजीशन लेके आ गया और 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली 11वीं पास करते ही और भाई सपोर्ट से मैं बढ़िया था आगे बच्चे स्पोर्ट्समैन बना दिए और भाई मेरे 4 बेटियां करमू और एक और बता दूं तना मैं जी भाई हमारा तो कोई प्रोफेशनल कलाकार तो सैको नहीं चौथे नंबर वाली बेटी है ना जो मेरी और भाई मेरे से ज्यादा व्यूवर करोड़ों करोड़ व्यूवर वो मामा का जारी उसका अच्छा हाँ वो हाँ, उसके आए मैंने देखे डुगू नाम उसका गाती है ना वो भी गाती 3rd नंबर वाली है अच्छा, सिमरन वो भी बॉक्सर है वो भी उसका मामा का जारी है अच्छा एक चीज और फौजी भाई मैंने कहूंगा कितने टोटल अभी तक मतलब अपने जो यूट्यूब पे किस नाम से मेरे भाई 4-5 चैनल रनिंग करमू एक तो मेरा है सिंगर फौजी करमबीर वो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में शुरू में खेल खेल से मैं बना दिया अच्छा लाइव लुव गेड़े करता हूँ संकट हो गया हाँ अच्छा फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया करमबीर फौजी ऑफिशियल मेरे नाम था अच्छा भाई उस पर मैं उसका जंगड़ा के गेड़न लग गया अच्छा वो भी चल गया चल गया और आज मतलब 27 लाख सरस्वती की कृपा है 27 लाख सब्सक्राइबर हो गए सिंगर फौजी करमबीर पे तो भाई 6-7 लाख है 27 लाख उस पर हो गए आज तक फिर मैंने एक हरियाणवी फोक बनाया भाई जिसमें किस पे करमबीर फौजी ऑफिशियल पे अच्छा। फिर मैंने बनाया हरियाणवी फोक के नाम था सिर्फ हाँ। उस पर छोरी की फोटो लग रही है अच्छा। और भाई उस पे मैंने हरियाणवी गीत शुरू करे हाँ। भाई साहब चाहे मैंने टोटा हुआ चाहे मैंने नफा हुआ चाहे मैंने को ठन्नी आई चाहे मैंने को नहीं आई मैंने मेरे वायदे के मुताबिक लुगाइयों के 1000 गीत बोला था 1000 गीत मैंने खुद की रचना आपकी लिखी हुई ना लिखी हुई नहीं लुगाइयों पर पूछ के 5 पतासे 50 का जोड़ा अच्छा भाई तेरे मालिक ना भैया मरोड़ी री बाग में एक चीज बता दू मैं फौजी भाई की जो गाने हैं नी जब लुगाई बैठ के देखे हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ गई उनकी वैलिडिटी बढ़ रही है देख देख के टाइम पास कर ले सुतरा और ऑब्जर्वेशन हो जाए टिंडे बाड़ी बखी लगी कोई और फेवरेट सुनाओ आप अपने अंदाज में मेरा फेवरेट
तोतली में शराम के सिम तोतली में आन दो आप पे कमेंट आ रहा है पीला चुबारे वाला वही कर दो आप पीला चुबारे ओ तो सर ने कहा था हमें हां पर जम्मी हो गया जी मैंने काट दिया पीला बोलो साथ मेली न्यूथ बोली पीछ ना चक्की पैदल दे मैं अलबेलन समझी को नीचा सास चक्की पैदल दी छाछ चक्की पैदल दी हैं और एक गाना मेरा फेवरेट है जमा फेवरेट है मैं जमा फेवरेट आन दे जमा फेवरेट फेवरेट है कि फेवलेट है फेवलेट फेवलेट रे बीरा के बुझेगा मेरी मैं सुन कर माँ की माड़ी रे बीरा रे तू होया था जब बाटी थी मिठाई रे बीरा रे मैं होई थी जब मायड़ भी रोई थी रे बीरा के बुझेगा मेरी मैं सुन कर माँ की माड़ी रे मेरा फेवरेट है गाना शेयर कर दे रहा भाई शेयर कर दे रहा मोबाइल वो थप्पी कड़ा तारी थप्पी थप्पी कौन एंड्रॉइड फोन तारा इन्हें मैं थप्पी का हूँ एंड्रॉइड फोन उसमें शेयर करो इबे भोजी भाई आपके सारे चैनल पे इसको शेयर करो 2000 आदमी लाइव जुड़ रहे हैं मैं चाहूँ इस हरियाणवी संस्कृति का हरियाणवी कल्चर का इस माँ बोली का चाशनी पर की मिठी माँ बोली का और जब तोतलापन में जब तोतली बहू बोले तो ये हरियाणवी और भी मिठी हो जाए और भी स्वाद आ जाए इसमें और देखो लेके के जाना है आप लोग घर में अपदापी हाहाकार मारा पिटी रोवा पिटी और टेंशन भड़क तनाव बिरन के क्यों रहा है तो आप अपने हरियाणवी से जिस दिन जुड़ गए अपनी माटी से जुड़ गए तो मैं गारंटी दूँ आधा ज्यादा समस्या तो दूर हो जाएंगे तो रजान की जरूरत क्यों जी भाजी भाई भाई पता क्या है उरा तने सवाल इतने लिख देंगे तेरे तो जवाब इतना मेरा पटेगा भी जवाब लेना था नहीं इसके सासू का दुख सा रहे या बोल दिया इतने भी चल इतने लिखने लग रहे हैं सासू कुछ कहना चाह रहा इसका भी नंबर आएगा सवाल उसके भी लिखने बीच में उसका सवाल चला गया था अपना खेलना पे बात करने लग रहे थे मैंने बच्चों को बोल रखा क्योंकि कॉमनली बात भी होनी चाहिए ना समाज से जुड़ी बात भी करनी ना तो मैंने मेरे गाँव के बच्चों को बोल रखा भाई कि जो बच्चा इंडिया में मेडल ले आएगा भाई गोल्ड मेडल आएगा 31,000 स्टेट में गोल्ड मेडल आएगा 11,000 सेकंड थर्ड के अलग अलग नाम है और भाई हर साल तो प्रोग्राम करूं मैं हाँ भाई और मेरे गांव के 10 बच्चे मेडल लाओ 15 बच्चे मेडल लाओ 20 बच्चे मेडल लाओ भाई तेरे इसका ऊपर बोलो लग रहा हूँ हर बच्चे को स्कॉलरशिप देता हूँ भाई चाहे मेरे उसमें 5 लाख लागो चाहे 10 लाख लागो चाहे मेरे पे हो चाहे मेरे पे ना हो चाहे मैं गाने गा के लाने पड़ो सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए सुने कर्म एक और ना किसी की 5 रुपए पर्ची काटदा और ना यार नौबत परमात्मा ने देंदा प्रोग्राम फालतू करने पड़ो और एक बात दूसरी बात या जब तक मैं जिंदा हूँ या स्कॉलरशिप जब तक है भाई मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की नीयत क्या होगी मैं नहीं कह सकता जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक स्कॉलरशिप और सुन ले मेरे गाँव के किसी भी खिलाड़ी को हाँ। कोई किट की खुराक की जूते की जुराब की कोई दिक्कत है भैया मेरे लिए खुले दरबार है बढ़िया बात और मेरे गांव की कोई गरीब बच्ची है भाई हाँ। मेरे 4 बेटी हैं भाई परमात्मा ने 4 बेटी दे रखी है मैं तो बेटियां तो प्यारी है मेरे गांव के अंदर देखो मैं इतना मैं कोई खरबो खरबो पता नहीं भाई मैं 1.5 किले का मालिक हूँ मेरा जितना मैं कर सकूँ मेरे गाँव तक की लेवल की है भाई ये गाँव तक की और भाई मेरे गाँव में कोई भी गरीब बच्ची है ना वह फौजी अंकल मेरे को प्रॉब्लम है बेटा कोई टेंशन नहीं है बस ये भी है और नंबर दो भाई मैंने फिर ये गाँव में ये भी बोल रखा भाई मैं तड़का नहीं हूँ सरपंच का डोल टेक दूंगा भाई मैंने राजा बना दे भैया मेरे कोई चीज का भी लाते सपोर्ट तो सपोर्ट पाएंगे सपोर्ट अच्छा देखो भाई ये इनका सगा भाई है क्या नाम भाई मलकीत है जी नाम मेरा किसका सगा भाई है मैं बता दूं तोतली बहू का सगा भाई तेल भाई है क्या नाम है इसका मलकीत अच्छा मलकीत इसका भाई है ये हमारा गांव डोर है उरेसिया का है गांव के जरूर मसूरी करके तो थोड़ी बोल ये इनकी माँ है सगी माँ अरे आज की सोतेली सासू है भाई कर्मो एक बात रहे एक बात जानी चाहिए जैसे मैं तेरे से माध्यम से एक बात कहूंगा जी भाई अपने गांव के अंदर गोरोपट लगे हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर देखा जाए तो हरियाणवी क्षेत्र मुझे नहीं पता अपना सरकार ने यो कौन सा महकमा अगर बना भी रखा होगा तो कलाकारों के मैंने एक वो काम किया है कि देखो प्रोड्यूसर तो मैं था हरियाणवी फोक गीत में 1,000 गीत मैं ना रखता आज इस लड़की ने 1,000 गीत हरियाणवी फोक लुगाइयों के कर दिए जो 10-15 साल जिंदे रहेंगे आगे कोई प्रोड्यूसर आगे वो करेगा इसके गाँव के गौरव पट के ऊपर नाम होना चाहिए छोरी छोरी तेरा गाँव है नहीं तो थोड़ी बहुत लिखवा क्या लिखवा आर्टिस्ट गुरप्रीत कौर एक तने खुशखबरी दे दूं मेरी माँ है नी जो वह भी देखे तारी जमा जी लगे सुबह सुबह एलईडी भी चला ले राम राम कही हो नुको कल नहीं सब सही बोलिए कर्मों की माँ को मेरी राम राम कर्मों की माँ को मेरी राम राम धर्मों की माँ को भी हाँ सोच कर्मों कर्मों और धर्मों की माँ को मेरी राम कर्मों और धर्मों दोनों की माँ को आम दो एक के तमा आम आम एक के एक के कंपनी का प्रोडक्ट पता कि इसका डाउट क्यों हो रहा है मेरा बाबू पहले किसान बैठ गया था मैंने उन्हें बकाया जाओ माँ या कोई मेरी माँ मेरी माँ दूसरी है मैं तो किसान वाली का हूँ तो सबे का थोड़ी सा चलो फिलहाल आप देखोगे तोतली बहू है जो इनके जो गुरु है करमवीर फौजी तो इनने बहुत कुछ इसको सिखाया एक पहचान दी है और आज तोतली बहू में जो एक अंदाज है बोलने का उसके पीछे एक कलाकार की मेहनत है क्योंकि इन्होंने 3 महीने तो इसको नो समझाने में लग गया इनके परिवार को भाई तेरे अंदर बोला तू चीज है क्या खुद तुझे ये
मालूम नहीं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और जब किसी का आर्टिस्ट हो और जब उस आर्टिस्ट ने वो किरदार में ना